तुम्हारी बीवी का नाम है, तुम्हारी बीवी का नाम है रोजी, जिसका सपना है $10 million कमाने का। तुम ये गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हो, घर का गुजारा अच्छा चल रहा है, पर इस सबसे तुम्हारी आयु तुम्हारी बीवी की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, यानी और बड़ा घर और बड़ी गाड़ी वगैरह वगैरह वगैरह। पर आज वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं अगर तुम इस रेड बटन को दबाओगे तो। अगर मैं इस रेड बटन को ना दबाऊं तो? अरे सुन लो, इस रेड बटन को दबाने से तुम्हें क्या मिलेगा? जब तुम इस रेड बटन को दबाओगे तो ये $10 million तुम्हारे हो जाएंगे। क्या $10 million तुम्हारे हो जाएंगे? ये तुम मुझे दे दोगे? यस, आओ साथ में ये बोतल शराब की, तुम्हारे मनपसंद ब्रांड की, कहते हैं ना ये के साथ एक फ्री, और तुम्हें इस रेड बटन को दबाना होगा। अच्छा ये बताओ, क्या है इस रेड बटन में और इसको दबाने से क्या होगा? गुड क्वेश्चन जॉनी, गुड क्वेश्चन। इस रेड बटन को दबाने से इस दुनिया में किसी न किसी की मौत हो जाएगी। क्या? हाँ, डेथ हो जाएगी। किसी की मौत हो जाएगी? हाँ जब डेथ हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, इसको दबाने से किसी की कैसे मौत होगी? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? रोज लाखों लोग मरते हैं बीमारी से, उम्र पूरे होने पर हार्ट अटैक से और एक्सीडेंट से, पर आज तुम इस रेड बटन को दबाने से उस शख्स की मौत एक्सीडेंट से हो। और ये गलत ना होगा किसी की जान लेना? सही या गलत ये तुम्हारा फैसला है जॉनी, सही या गलत तुम्हारा फैसला है। अरे ये तो गुनाह है। गुनाह? इतने सारे गुनाह कर चुके हो तुम, चार इतने सारे गुनाह कर चुके हो, एक और सही, एक और सही, फैसला तुम्हारे हाथ में है जॉनी, चाबी या बटन। मुझे सोचने का टाइम चाहिए। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? मुझे सोचने का टाइम चाहिए। जॉनी तुम्हारे पास वक्त बहुत थोड़ा है, वक्त बहुत थोड़ा है, तुम्हें फैसला लेना ही होगा। चाबी ये चाबी का इस्तेमाल करो, दरवाजा खोलो या फिर चल जाओ, और मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नजर नहीं आऊंगा, या तो दर पर दबा लो। What is this nonsense? ये क्या मजाक है? मजाक है जॉनी, मैं मजाक नहीं करता। अगर तुम चाहो तो रेड बटन को दबा लो और यहां से $10 million लेके चल जाओ। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल।
क्या सोच रहे हो जॉनी? वक्त बहुत कम रह गया है, वक्त कम रह गया है, बस सिर्फ और सिर्फ एक मिनट बाकी है। पैसा तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ 50 सेकंड बाकी है, लेकिन मैं सिर्फ 30 सेकंड। ये रेड बटन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 तो तूने बटन को चुन लिया, यानी कि पैसे को। तुमने बटन को चुन लिया, जॉनी अब ये मत सोचो कि क्या हुआ। तुम्हारे दिल में ये बात चल रही है कि बटन तो मैंने दबा दिया और क्या होगा? वादे के मुताबिक जॉनी ये लो तुम्हारे 10 मिलियन डॉलर, ये लो ये पैसे तुम्हारे थे, तुमने कमा लिए। कहां जा रहे हो? ये भी ले लो, शराब की बोतल, कहते हैं ना एक के साथ एक फ्री। सही किया जॉनी, पर पूछने में हमने थोड़ी देरी कर दी। यस, रेड बटन को दबाने से तुमने तो पैसा कमा लिया, अब तो पूछ रहे हो मैं कौन? मैं हूं फरिश्ता, मैं हूं एंजल, जो इंसानों को परखता है और देखता हूं कि कौन कितना गुनाह में है। मुंह से तो सब उसका नाम लेते हैं पर दिल से कहूं तो फिर मैं उन सबको एक मौका देता हूं, नजात का रास्ता नहीं तो ये जिंदगी के ऐश और आराम का रास्ता। तुम्हारे सामने ये दोनों पेश किया गया था, तुमने नजात को नहीं बल्कि पैसे को चुना है जॉनी, पैसे को चुना है। और ये मौत, ये मौत तुम्हारी हुई है जॉनी, तुम्हारी हुई है, तुम मर चुके हो। ये नहीं हो सकता, तुम मर चुके हो जॉनी, मर चुके। मैं नहीं मर सकता। आज तुम अपने ऑफिस में शराब पी और नशे में तुमने गाड़ी चलाई, ऑफिस निकलने से पहले से बीवी को फोन किया और आज क्रिसमस ईव है, सारे दुनिया वाले क्रिसमस मना रहे हैं, शराब पिया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, कपड़े केक वगैरह वगैरह वगैरह। जिसके नाम से जश्न मनाया जा रहा है उसके साथ तो कोई नहीं देता जानी, और उसके साथ तो कोई क्रिसमस मनाता ही नहीं। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता।
नहीं चाहिए मुझे ये पैसा ये शराब मुझे जिंदगी चाहिए जिंदगी अब कुछ नहीं हो सकता है तुम कह रहे हो ये पैसा नहीं चाहिए और तुम्हारे दिल में ये भी बात चल रही है ये पैसा किस काम की है जॉनी ये पैसे वैसे जीते जी भी किस काम के हाँ ये पैसे कुछ हद तक जिंदगी की जरूरियात को पूरी कर सकते हैं ये सोने के बिस्तर तो खरीद सकता है पर नींद नहीं ये कपड़े तो खरीद सकता है खुशी नहीं जिंदगी की तमाम चीजें खरीद सकता है पर जिंदगी नहीं दे सकता है पैसा मुझे माफ करने का इख्तियार मेरे पास नहीं जानी और इंसान की तमाम गुनाहों को माफ करने के लिए तो खुदावंद यीशु दुनिया में आए सब के सब नजात पा सकते हैं और गुनाह से माफी पा सकते हैं पर कौन इस बात को समझता है कौन समझता है जानी अब कुछ नहीं हो सकता है कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा दिल में ख्याल आ रही है मैं जानता हूं तुम सोचते हो कि मैं तो हलाक हो चुका हूं बर्बाद हो चुका हूं मैं चाहता हूं कि मैं अपने फैमिली को जाकर कुछ बताऊं ताकि वो अपने रास्ते को दुरुस्त करें पर जानी तुम्हारे घर में सब जानते हैं सब चाहते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा उस खुदावंद ने कहा कि मैं ही राह सत्य और जिंदगी हूं सब जानते हैं जाने तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं पर कौन मानता है अब मेरे जाने का वक्त आ गया है मैं छा रहा मैं छा रहा नहीं दे सकता हूं छाने मैं नहीं दे सकता ये तो खुदा के हाथ में है इससे जाने दो इससे जाने दो ओके तुम जा सकते हो अपनी फैमिली के पास के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं